आदाब दोस्तों, मैं हूं अम्मे वाजिद, आप देख रहे हैं पैगाम टीवी। आज की बात में आज हम बात करेंगे तेलंगाना में सियासी सरगर्मियों की। जैसे जैसे इंतखाबी मौसम शुरू हुआ है, वैसे वैसे सियासी गलियारों में कुछ गर्मी देखी जा रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी के कायद रेवंत रेड्डी केसीआर को घेरने में कोई भी मौका जाने नहीं देते, तो दूसरी जानिब वज़ीर आला केसीआर कुछ कहने से खासिर हैं और वो अपने दौरे हुकूमत में किए गए तरक्याती कामों को दोहरा रहे हैं। लेकिन सरे से देखा जाए तो रेवंत रेड्डी का कहना है कि वज़ीर आला केसीआर ने अपने दौरे इक्तदार में मुसलमानों की या फिर अक़लियतों की कभी कोई परवाह नहीं की। एक हद तक अगर देखा जाए तो रेवंत रेड्डी की ये बात 100% सही है। वहीं दूसरी जानिब बीआरएस को अलविदा कहते हुए सियासी कायदीन कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। ऐसे हालात में वज़ीर आला केसीआर कुछ मायूस ज़रूर हैं, लेकिन आने वाला वक्त क्या तब्दीली लाएगा ये देखना दिलचस्प होगा। पेश है इस तेलंगाना के सियासी माहौल पर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फारूक की ये रिपोर्ट। कांग्रेस पार्टी के रियासती सदर रेवंत रेड्डी में अब तेलंगाना की अवाम को आनजहानी डॉक्टर वाईएस राजशेखर रेड्डी नज़र आने लगे हैं। वखाराबाद में विजय भैरी प्रोग्राम के कामयाब इनेखात के बाद आज वो तेलंगाना के लिए अपनी जान कुर्बान कर देने वाले शहदा की यादगार गन पार्क पहुँचे। ठीक 1 बजे यहाँ का माहौल हल्का कशीदा था, जहाँ पर पुलिस की भारी जमीयत को मुतय्यन किया गया था। जैसे ही यहाँ रेवंत रेड्डी पहुँचे तो उन्हें पुलिस अहदेदारों ने आगे आते हुए रोकने की कोशिश की, जिसके बाद यहाँ तनाव बढ़ता गया। कांग्रेस पार्टी कायदीन और पुलिस के दरमियान हाथापाई हुई। पार्टी वर्कर्स ने पुलिस के खिलाफ नारे लगाए तो दूसरी जानिब पुलिस ने रेवंत रेड्डी से रिटर्निंग ऑफिसर की इजाज़त तलब की। आपको याद होगा कि रेवंत रेड्डी ने केसीआर को चैलेंज किया था कि वो शराब और रकम की तकसीम के बगैर इंतखाबात लड़ने का अहद लें और ये कसम शहदा की यादगार पर खाई जाए, लेकिन केसीआर ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। कभी कभी इंसान की किस्मत ऐसा खेल भी खेलती है कि जिस बात की वो तवक्को नहीं कर रहा होता है वही उसके साथ हो जाती है, जिसकी आम सूरत हाल में होना नामुमकिन ही होता है। लेकिन रेवंत रेड्डी इन दिनों किसी पहाड़ की तरह केसीआर के सामने खड़े हैं और फिर उनकी जानिब से किए जाने वाले सवालात का केसीआर जवाब देने से खासिर हैं। दूसरी जानिब केसीआर को हार जाने का दुख सता रहा है। अभी तक मुख्तलिफ बुहरानों से बच निकलने वाले रेवंत रेड्डी अपने हरीफों को अपनी बाजीगरियां दिखाकर बाजी जीतने में लगे हैं और मुस्तकबिल में भी उनसे यही तवक्को की उम्मीद की जा रही है। हो सकता है आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी जीत जाए और बीआरएस पार्टी को शिकस्त से दोचार होना पड़े। यहाँ तमाम सियासी जमातों को ये जान लेने की ज़रूरत है कि वो रियासत के तमाम तबक़ात को साथ लिए अगर चलते हैं तो कामयाबी उनका मुकद्दर होगी, वरना हार उनका नसीब।